मैं आपको बता दूं कि मैं चिड़िया का बच्चा बन के काम नहीं करूंगा, मैं दिल खोल के काम करूंगा। मैं भिवानी हलके के लिए खूब जीतोड़ मेहनत करके काम करूंगा और वो सारे काम करूंगा जिसकी आज भिवानी को जरूरत है। नमस्कार, मैं अजय। देखो जी, सुना था और फिल्मों में देखा था कि आर के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। और बाजीगर ये नहीं है कि बाजीगर कोई रीच नचाने वाला है, बाजीगर कोई करतब दिखाने वाला है। बाजीगर वो बाजीगर है जो कहीं ना कहीं समाज का एक रुख मोड़ने का काम करता है। और उसी कड़ी के अंदर 2018 में मेरी मुलाकात हुई कमांडर सुनील कमांडर से जी। ये भाई ये हुई थी, तो फिर आना जाना कम हुआ। तो जी, ये दिल्ली बिजनेसमैन भी है और कहीं ना कहीं आर्मी मैन भी रहे हैं। तो उसके बाद फिर से चहल पहल जी, इसी प्रोग्राम की, ब्रह्म महोत्सव के रूप प्रोग्राम की, जो तो पिछली बार का था वो धारा 144 लग गई थी, और कहीं ना कहीं अब की बार भी धारा 144 लगी। तो पता नहीं कल कमांडर साहब के कर्मों के अंदर धारा 144 जुड़ गई या किस प्रकार की बातें हैं। लेकिन ये है कि इन्होंने एक अच्छा काम किया, अच्छी पहल की, अपने समाज के लिए, अपने हलके के लिए एक ब्रह्म महोत्सव का आयोजन किया। भव्य बड़ा ही आयोजन देखा और सुनने को मिला। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाने का काम हुआ। जो लगती हैं तो जी, करीबन 10 से 12 हजार लोगों का खाना भी था। ये अब की बार भी था, ये पिछली बार का भी था। वो ये वाटर प्रूफ टेंट था, अब की बार भी था, वो पिछली बार भी था। वो ये 20 से 25 हजार कुर्सियां थी, वो अब की बार भी थी, वो पिछली बार भी थी। वो ये जोश था कमांडर साहब का, अब की बार भी उतना था, पिछली बार भी उतना ही था। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा या कोई अनहोनी के कारण धारा 144 लगनी हुई और शहर के अंदर वो ब्रह्म महोत्सव पूरे अपने ब्रह्म रूप के अंदर नहीं आ पाया। तो कमी कहाँ रही, किस प्रकार की बातें रही और किस प्रकार से सुनील कमांडर सोचते हैं आज के दिन, और बात करने का काम करेंगे कि कुछ बातों के ऊपर से आज के दिन की अगर बात करूँ शहर के अंदर, पर्दा उठाना बहुत जरूरी है। क्योंकि पर्दा नहीं उठाऊंगा तो पता कैसे चलेगा कि किसके मन में क्या चल रहा। मेरे आगे साक्षात वो बाजीगर हैं जी। अब बाजीगर कहूं या इनको जादूगर कहूं, ये तो ये बताएंगे। चल नमस्ते। अजय जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। और ब्रह्मोत्सव का आयोजन सफल आयोजन हुआ, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। बस अब एक मैं सवाल पूछता हूँ आपकी, मैंने वो आप नोट किया थी पिछली बार का जो आपका प्रोग्राम था ब्रह्म महोत्सव का, वो धारा 144 की वजह से नहीं हो पाया था। अब की बार भी कहीं ना कहीं आपके कर्मों में धारा के अंदर 144 जुड़ी और कहीं ना कहीं प्रोग्राम में फीकापन देखा। तो जिस प्रकार से मैंने ना हताश हुए लोगों को काफी बार देखा है, टूट जाते हैं अंदर से, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो समाज सेवी हो, चाहे किसी प्रकार के हो, लेकिन जो आपका चेहरा ना 2018 के अंदर भी ऐसे था, जो पिछली बार के जो धारा 144 की बात थी तब भी आपका चेहरा ऐसे था और अब की बार भी चेहरा आपका ऐसे ही है, ये इस चेहरे का राज क्या है कि ये इस चेहरे के अंदर कोई दर्द छुपा रहा, या फिर वास्तव में ये है कि कोई गम नहीं, कोई जुदाई नहीं, जो है वो धारा 144 थी। अजय जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। 6 अगस्त को हमने एक प्रोग्राम करने की कोशिश की थी, तो उसमें नू में जो मेवात में प्रॉब्लम हुई थी उसके चक्कर में धारा 144 लग गई थी, वो प्रोग्राम स्थगित हो गया था। उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि इस प्रोग्राम को हम फिर से करेंगे, और ये प्रोग्राम हमने 11 फरवरी को करने की कोशिश की। अच्छा प्रोग्राम था, सफल प्रोग्राम था, अपनी तरफ से पूरी मेहनत की, सारे भिवानी को जो हम कर सकते थे वो हमने किया, और बड़ा ही भव्य प्रोग्राम करने की कोशिश की, तो अच्छा था। रही बात, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मेरी कुंडली में 144 लिखा हुआ है, और 144 तो बड़ी अच्छी चीज है साहब। प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, उन्होंने मुझे धारा 144 होने के बावजूद इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने की परमिशन दी, उसके लिए प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा हल्का रहा प्रोग्राम, उसका कारण ये है कि जो किसान आंदोलन था उसके चक्कर में एहतियात के तौर पे प्रशासन ने धारा 144 लगाई थी, और उस कारण कई सारी टीमें जो बहुत दूर दूर से आने वाली थी और बहुत जगह से आने वाली थी, एक भ्रम हो गया था कि शायद ये प्रोग्राम फिर से हो नहीं हो, कैंसिल हो जाएगा। तो
तो इसीलिए काफी लोग नहीं पहुंच पाए, बट अच्छी खासी भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे एंड जो सोचा था उतनी भीड़ तो नहीं थी, बट भिवानी के लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, उन्होंने भी काफी साथ दिया और आसपास के लोगों ने भी बहुत साथ दिया, तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम था सर। हम भीड़ की बात नहीं करते सर, देखो तो भीड़ कम आना या भीड़ ज्यादा आना वो व्यक्तित्व के मानसता नहीं दर्शाता। मुझे लगता है कि आपकी मानसता आपके शहर के लिए है, आपके समाज के लिए, इस हल्के के लिए, वो अच्छी बात है, वो भी पॉजिटिव वाली बात है। इसमें भीड़ आए ना आए, भीड़ से मत तो नहीं है, लेकिन जो आज आप चर्चा बने पूरे देश विदेश के अंदर, आप चर्चा विषय बने हुए, सबसे बड़ी बात है प्रदेश के अंदर चर्चा बने हुए, और उससे बड़ी बात है कि आप छोटी काशी के अंदर प्रमुख चेहरा दिखने लगे राजनीति के अंदर, ये अच्छी बात है। सुनील कुमार अपने थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताएगा, किस प्रकार की बैकग्राउंड है, मनसा क्या है, सोचता क्या है, क्या स्थिति? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं, मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो मिलिट्री स्कूल बैंगलोर से हुई है, और मैंने छठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक मिलिट्री स्कूल बैंगलोर में अपनी पढ़ाई की। उसके बाद मैंने यूपीएससी के एग्ज़ाम देके मैं भारतीय नौसेना में एनडीए में गया, और आज 2018 में मैं कमांडर के पद से रिटायर हुआ। मेरे पिताजी भी फौज में थे, हमारी तीन पीढ़ी फौज में है, तो फौजी बैकग्राउंड है हमारा और मैं भी फौजी बैकग्राउंड से हूँ। उसके बाद फिर मैं 2018 में भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा की तैयारी की, मैंने किन्हीं कारणवश टिकट नहीं मिल सकी, बड़ी अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी से की थी उस टाइम। उसके बाद फिर अब मैं आपके सामने मैदान में उतरा हूँ, ये समाज का प्रोग्राम करना था, ये ब्रह्मोत्सव था, क्योंकि पिछली बार कैंसिल हो गया था तो ये फिर से करना था। मैं पूरे भिवानी का प्रोग्राम था और मैं पूरे भिवानी के लोगों के साथ हमेशा जुड़ा रहता हूँ। तो आपने राजनीति के लिए हरियाणा के अंदर और भी कोई जिला चुन सकते थे आप, और कोई प्रदेश चुन सकते थे आप, लेकिन आपने भिवानी शहर को और हल्के क्यों चुना राजनीति के लिए? मेरे, हमारी रिहायश यहीं पे है भिवानी में। अच्छा, भिवानी के वासी पे? मेरा गांव ढाणी फोगाट है चरकी दादरी के पास। अच्छा। और पिछले कई सालों से पिताजी यहीं रह रहे हैं, पूरी फैमिली यहीं पे है, तो क्योंकि रिहायश यहीं है और काफी टाइम से बचपन से यहीं आते आ रहे हैं, तो यहाँ का भिवानी में ठीक है, अच्छा है, लोगों से मुलाकात है, लोगों से परिचित हैं, तो बड़ी अच्छी बात है सर। आप मैं प्रोग्राम पे आता हूँ, आपने प्रोग्राम बड़ा भव्य किया, आपका प्रोग्राम बड़े चर्चा का विषय था, चाहे वो सोशल मीडिया थी, चाहे मीडिया थी, चाहे वो अखबार माध्यम से देखने को मिला था, और दर्शक भी दिख रहा था कि आयोजक भी सुनील कमांडर, संयोजक भी सुनील कमांडर, निवेदक भी सुनील कमांडर, यानी ये थे कि सुनील कमांडर आज कहीं ना कहीं पहली पंक्ति के अंदर पहले फर्स्ट स्थान पर थे, तो लगता नहीं कि हमें तो अपनों ने लुटा, घरों में खादम था, किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। साहब, कमांडर सुनील शर्मा ने जो प्रोग्राम किया था ये एक सामाजिक प्रोग्राम था, इसमें कोई पॉलिटिक्स का लेना देना नहीं था, हमने स्टेज पे साधु संतों को विराजमान कराया था, तो पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं था, ये पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था। सुनील कमांडर ने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की थी, पूरे हिंदुस्तान में प्रचार किया था, पूरे सब जगह प्रचार किया था, और सारा सिस्टम ठीक था, आपने जो बोला अपनों ने लूटा घरों में खादम था जो भी था, मगर जिसने लूटा जिसने नहीं लूटा वो तो वो जानते हैं, मगर मैं जानता हूँ मैं हिम्मत हारने वालों में से हूँ नहीं, ऐसे प्रोग्राम तो आप जब बोलोगे तब कर दूंगा मैं। लगता नहीं जिस प्रकार से आपने ब्रह्म महोत्सव किया होता, ब्रह्म महोत्सव एक बहुत बड़ा बड़ा नाम है, चाहे आयोजक के रूप में हो, चाहे वो यज्ञ के रूप में हो, चाहे किसी और प्रकार के रूप में, तो इसमें आप आयोजक थे, आप संयोजक थे, या आप एकता दर्ता थे, या इसके अलावा कुछ चल रहा था? नहीं, सारी टीमें लगी हुई थी, और अपने ये प्रोग्राम सारे भिवानी का प्रोग्राम था, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि ये कमांडर सुनील शर्मा ने तो स्टेज दे रखा था, समाज को एक स्टेज दिया था, पूरे भिवानी को एक स्टेज दिया था कि भाई ये मंच है और एक अच्छा प्रोग्राम होना चाहिए। कोई बात नहीं, धारा 144 लगी थी, बहुत सारा कन्फ्यूजन था लोगों में, उस चक्कर में काफ़ी सारे लोग नहीं पहुँच पाए, और काफ़ी सारे लोगों को ये लगा कि भाई शायद प्रोग्राम होगा नहीं होगा, काफी सारे अफवाहें भी उड़ी। 40 से 45 हज़ार क्या देंगे आपकी इस विधानसभा को, और पता होगा 40 से 45 हज़ार वोट वोट है पूरी विधानसभा में किसके? ब्राह्मण समाज की अगर बात करो, क्या आपने ब्राह्मण समाज के ऊपर जो ब्रह्मोत्सव किया था, ब्राह्मण समाज का ब्रह्मोत्सव था, सुनील कमांडर कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो 40 से 45 हज़ार आपकी गैदरिंग वोट बताए जाते हैं इस हल्के के अंदर, लेकिन क्या कारण है, किश्ती कहाँ डूबी सर?
नहीं, वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, 40-45 हजार नहीं था ये, 40-45 हजार लोगों का प्रोग्राम नहीं था, ये प्रोग्राम था पूरे भिवानी का प्रोग्राम। और भिवानी में 2 लाख+ वोटर हैं सर, तो वोटर वोटर का तो कोई मतलब ही नहीं था, ये प्रोग्राम था पूरे भिवानी का, पूरे समाज का। वही तो बोल रहा हूँ सर, समाज भी खरा नहीं उतर पाया, समाज किन्हीं कारणों से उतर खरा नहीं, नहीं उतरा कारण सर। सिर्फ यही था कि एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था, जैसे आपको बताया कि एक रात पहले लोगों को ये पता लगना शुरू हो गया था कि धारा 144 है, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था कि ये प्रोग्राम होगा नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, गांव में गाड़ियां खड़ी हुई थी, वो तैयार खड़ी हुई थी, बट स्टिल उनके पास ये कंफर्मेशन नहीं था कि लोगों के पास कि जाए नहीं जाए, जाए तो वहां जाके अगर प्रोग्राम कैंसिल हो तो फिर पिछली बार की तरह पुलिस उनको अपने। लगता नहीं कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप कहीं मिस यूज भी हुए हैं? साहब ये कमांडर मिसयूज तो नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से, सारी चीजों का पता था, सारी चीजों का अंदाजा था। आपको आकलन था इस बात का? एक रात पहले हल्का हल्का आकलन हो गया था, मगर इतना नहीं पता था कि जो स्पेशली जो बाहर से आने वाले थे, और काफी संख्या में बाहर से भी लोग आने वाले थे, तो वो नहीं पहुंच लेकिन पाए। लोगों ने, लगता नहीं आपके एक समाज की प्रतिद्वंदी कहूं या आपके समाज के दिग्गज चेहरे कहूं या उन लोगों की, इनकी बातें बनी, दंत बातें बनी कि देश विदेश से लोग आने वाले थे वो नहीं आ पाए। ये रहा कि वो एक आपका प्रोग्राम आपके शहर के अंदर चर्चा बात तो उन्होंने कहा कि हंसी के पत्र बन जा। साहब अगर आप काम करोगे, कई बार अच्छे होते हैं कई बार ठीक होते हैं, तो हंसी का पात्र तो वो बनते हैं जो काम नहीं करते। हम तो काम करने वालों में से हैं सब, किसी भी तरह का काम ले लो, जब हम करते हैं तो अच्छी तरह मन लगा के करते हैं। मेरे काम करने की शैली में अगर आपको कहीं किसी को कोई कमी लगी हो तो वो मुझे बताए, मैंने कोई कमी छोड़ी हो, किसी प्रचार प्रसार में कमी छोड़ी हो, किसी से वैसे कोई कमी हो, कोई और चीज की कमी हो तो वो बताओ। मेरी तरफ से मैंने पूरी मेहनत की, और मेहनत करने से ये कमांडर कभी सर नहीं आया। आपकी तरफ से मेहनत कमी नहीं थी क्योंकि आप तो धरातल पे दिख ही रहे थे, लेकिन लगता नहीं कि जिनको मेहनत करनी चाहिए थी उन लोगों ने मेहनत ना की बाबा आपके लिए? नहीं सर, सभी ने मेहनत की थी। आप बताइए, एक दिन पहले जब तक धारा 144 नहीं लगी थी, तब तक कितना उत्साह था, सभी लोगों में सारा सिस्टम था। ये कंफ्यूजन था कि धारा 144 लगी काफी लोगों में, और जो किसी नेगेटिव मंशा से थे उन्होंने अपना काम किया होगा सर, मुझे नहीं पता इस चीज का। नहीं बताऊंगा। नहीं, देखो मैं जो बता रहा हूं कि धारा 144 लगी थी, उसका जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ या किया लगता नहीं कि गया। धारा 144 को एक माध्यम बनाया जा रहा है हाँ हो भाई, सकता है, माध्यम बना बिल्कुल लो। बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है किसी किसी को इस प्रोग्राम से दर्द हुआ होगा या प्रॉब्लम हुई होगी। मुझे तो नहीं लगता किसी को इस प्रोग्राम से प्रॉब्लम होनी चाहिए, और अगर किसी को प्रॉब्लम हुई है और किसी ने ऐसा किया है तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ कि वो लोग ने इतनी मेहनत की इस प्रोग्राम के क्या लिए। मानते हैं प्रॉब्लम हुई होगी या नहीं हुई होगी? हो सकती है सर, ये खुला मैदान है, इसमें कोई भी कुछ कर सकता है, तो सर हो। भी विषय एक ये भी बना है आपकी बात का, क्योंकि आपने प्रोग्राम खत्म होने के बाद में एमएलए की दावेदार भी ठोकी है और कहीं ना कहीं मीडिया बाबा ने बताया कि मैं एमएलए का दावेदार हूँ, मैं चुनाव पक्का छोड़कर 100% तैयारी कर रहा हूँ। तो लगता नहीं कि आपको ब्रह्म महोत्सव के नाम पर आपको एमएलए की तैयारी कर रहे हैं, ये लोगों की चर्चा है? नहीं सर, ये चर्चा जो भी कर रहा है वो शायद राजनीतिक तौर पे एक माइलेज लेने की कोशिश कर रहा है, या इसको एक राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश कर रहा है। आप ये बताओ कि प्रोग्राम के प्रचार प्रसार में कहीं भी किसी राजनीति, अगर हमें मुझे राजनीति करनी होती तो मैं किसी बड़े चेहरे को लाके स्टेज पे बिठाने की कोशिश करता। हमने तो साधु संतों को स्टेज पे बिठाया था और सारे समाज को बुलाने की कोशिश की थी, इसमें कोई राजनीति नहीं थी। हाँ मैंने जो अनाउंसमेंट किया पूरे प्रोग्राम के दौरान, कोई राजनीतिक बात नहीं हुई, मैंने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया। प्रोग्राम खत्म होने के बाद, पूरा कंप्लीट होने के बाद, जब मीडिया ने मेरे से पूछा, क्योंकि काफी टाइम से मीडिया मेरे से ये सवाल कर रहा था कि आप राजनीति में आएंगे नहीं आएंगे, क्या करेंगे, आपके क्या पत्ते हैं, तो मैं तो उस टाइम यही बोल रहा था कि जी 11 फरवरी के बाद हम बात करेंगे इस बारे में, क्योंकि अभी तो ये सामाजिक प्रोग्राम है, तो सामाजिक प्रोग्राम करते हैं और उसके बाद फिर बात करेंगे। लगता है सुनील जी, जिस प्रकार से आपके करोड़ों रुपए लगे हैं प्रोग्राम के अंदर, तो
तो वो व्यर्थ गए या इन्हीं करोड़ों रुपए से किसी और समाज सेवा की जा सकती थी, किसी बच्चे को शादी के यूज में आ सकते थे या किसी शिक्षा के ऊपर भी यूज किए जा सकते थे या फिर गौ आपने सम्मान गौ रखो सम्मान सम्मान तो इस प्रकार के गौशाला के अंदर दान दिया दिया जाता। लेकिन आपकी जो पूंजी थी, आपका जो पैसा था, आपका जो कर्म का पैसा था, वो आपने कहने के व्यर्थ किया, ये चर्चा ही है सर। ये हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है। कोई मंदिरों में दान करता है, कोई धर्मशालाओं में दान करता है, कोई गरीबों में दान करता है, वो सब करते थे। मैंने ये पैसा जो लगाया था ये अपने समाज को इकट्ठा करने के लिए लगाया था, एक समाज को एकत्रित करने के लिए लगाया था और ये एक अच्छी पहल थी और अच्छी पहल कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी हुई है। ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल नहीं है, बहुत अच्छी सक्सेसफुल हुई है और लोगों में एक जागृति भी आई है। तो आप इसको समाज का प्रोग्राम बता रहे हैं, कुछ लोग आपको ये प्रोग्राम पर्सनल बता रहे हैं, पर्सनल कमांडर का प्रोग्राम है। हाँ साहब, ये प्रोग्राम मैं वाला प्रोग्राम नहीं था, ये प्रोग्राम हम वाला प्रोग्राम था। मैंने हर जगह पे यही स्टेटमेंट दिया, यही बताया। अब ये बताइए, ये पर्सनल प्रोग्राम आपको कैसे लगता है? जब भगवान परशुराम का फोटो आ गया उनके चरणों में तो सारे प्रोग्राम बराबर हो जाते हैं सर, ये पर्सनल प्रोग्राम कैसे हो गया ये बताइए। तो वो लोग कौन है जो आज कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर भ्रांति फैलाने का काम करे? किसी लोग मंत्र का तो अपना पर्सनल प्रोग्राम था ना कि सामाजिक प्रोग्राम था, वो लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में? नहीं, वो उनकी सोच है, अच्छी सोच है, बुरी सोच है, छोटी सोच है, बड़ी सोच है, वो उनकी सोच के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो उनकी सोच है कि वो, अब ये बताइए कि पर्सनल प्रोग्राम किस एंगल से आपको पर्सनल प्रोग्राम लगता है? भाई कोई ना कोई तो ऑर्गेनाइज करेगा, किसी न किसी को तो ऑर्गेनाइज करना है। अब ये बोलेंगे कि जी हमने मीटिंग नहीं की या किससे बात नहीं की, बिल्कुल की सर, सबसे बात की, मीटिंगें की और सारा सिस्टम किया। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। आज कोई प्रोग्राम के बारे में कुछ भी कहे, ठीक है प्रोग्राम थोड़ा सा हल्का था धारा 144 के चक्कर में, मगर जो भी था अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत ही भव्य प्रोग्राम हुआ। सर आप बार बार ये मत कह रहे ना धारा 144 के चक्कर में, धारा 144 के चक्कर में आपको समझा रहा हूँ, मैं छोटी सी बात समझा रहा हूँ कि 40 से 45 हजार आपके समाज के वोट है इस हल्के के अंदर, उसके अंदर कोई धारा 144 का आकलन था ही नहीं, ना किसी किसान आंदोलन की वजह से कोई जाम था या चक्का जाम था या कहीं कहीं रोक थी। लेकिन सर जब जिस प्रकार से आप काम कर रहे थे, आपने ब्रह्म महोत्सव बढ़ाया हुआ था, लेकिन सर लगता नहीं कि समाज को भी उमड़ उमड़ के आना चाहिए था? जब वो रोकने वाले लोग कौन थे या वो आपको मना करने वाले लोग कौन थे या फोन करने वाले लोग कौन थे, आना है नहीं आना? सर आपको लगता नहीं कि आपके प्रोग्राम में पूरी पूरी पॉलिटिकल चली थी? मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं इन सब चीजों के बारे में सोचूं। मेरा तो सिर्फ यही था कि एक ये प्रोग्राम करना है, अच्छा प्रोग्राम करना है और बड़ा अच्छी व्यवस्थाएं करनी है इस प्रोग्राम पे, तो मैं उन चीजों में लगा हुआ था। किसी को इस प्रोग्राम से दर्द था तो वो उसका दर्द था। रही बात आपने 45,000 की बात की, कंफ्यूजन था मेरा, मेरा काम था एक स्टेज बनाना, एक अच्छे से सबको इनविटेशन देना, कोशिश करना कि क्योंकि एक आदमी हूँ साहब, मैं हर जगह पे नहीं जा सकता। सुनील क्वांटर के बारे में चर्चा भी है कि सुनील क्वांटर को इस प्रोग्राम के माध्यम से आयोजक कर लिया कुछ लोग बने, वो आयोजक वाला प्रोग्राम समझा सकते हैं आयोजक किस प्रकार से हुआ? जी नहीं नहीं कोई हाईजैक नहीं हुआ, किसी ने अफवाहें फैलाई होंगी, मुझे नहीं पता किसने फैलाई, बट अफवाहें जरूर फैलाई थी कि भाई 144 लगती है। क्यों फैलाई थी? कोई राजनीतिक दबाव होगा उनके ऊपर, कोई राजनीतिक बात होगी, मगर मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो उस दिन भी बड़ा खुश था, आज भी बड़ा खुश हूँ और आगे भी खुश रहूंगा। सर जिस प्रकार से आज एक राजनीतिक पैसे का खेल बन के रह चुका और कभी लोगों को लगा हो कि सुनील क्वांटर का पैसा वैसा है, पैसे वैसे ले आओ, बाकी बंदे आओ ना हो वो बाद की बात है, ऐसा भी कुछ लगता माइंड में दिमाग में? नहीं सर ऐसा नहीं है। जिस तरह से प्रचार प्रचार हुआ था और जिस तरह से मेहनत की गई थी, जिस तरह से गांव गांव जाके डोर टू डोर जाके शहरों में बाकी जिलों में सब जगह पे, और जिस तरह से उत्साह था लोगों में, वो बहुत ही अच्छा उत्साह था। ऐसा नहीं है कि उत्साह नहीं था, बहुत ही भारी उत्साह था हर जगह। और एक और चीज़ बताता हूँ कि जब इतने सारे लोगों में चर्चा हो रखी थी, बड़े बड़े शहरों में, हर शहर में चर्चा थी, हर जगह पर चर्चा थी, तो ये प्रोग्राम छोटा नहीं था, ये प्रोग्राम बहुत भारी प्रोग्राम था। क्यों हुआ, क्या हुआ, इसका बैठ के आकलन भी करेंगे, पता भी लगेगी और थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज़ में, हर चीज आएगी अभी हमारे पास डिटेल में आ जाएगी तो उसका भी आपको बताया जाएगा। कहीं जो गीत कहूँ हमें तो अपने लूटा घर में खादम था, ये सार्थक कहीं ना कहीं आज सुनील क्वांटर को ऊपर देखी जा सकती है।
कहने के चूक तो जरूर रही, सुनील पांडे की तरफ से रही या उन लोगों की तरफ से रही? नहीं, व्यवस्थाओं में कहीं चूक रही हो वो मेरी चूक है, और व्यवस्थाओं और लोगों के कंफ्यूजन में आने में कोई चूक रही होगी तो वो कमांडर सुनील शर्मा की चूक नहीं थी सर। और क्यों कमांडर सुनील शर्मा की चूक थी? ये तो ब्रह्मोत्सव था और ये सबका प्रोग्राम था, कमांडर सुनील शर्मा का अकेले का प्रोग्राम नहीं था, ये तो ब्रह्मोत्सव था, सबका प्रोग्राम था। कहीं पे मैंने किसी भी टाइम ये बोला कि ये प्रोग्राम मेरा है, किसी मीटिंग में बोला हो, किसी के सामने बोला हो, कोई मीडिया में स्टेटमेंट दिया? आपके अलावा कोई दिख भी नहीं रहा था? किस चीज में नहीं दिख रहा था साहब, ये बताओ? पोस्टरों में, होर्डिंगों में, सिर्फ आप दिख रहे हैं। पोस्टरों में, होर्डिंग में, जब भगवान परशुराम आ गए तो मेरे ख्याल से बाकी की क्या जरूरत थी? भगवान परशुराम के साथ साथ में आप सुनील कमांडर दिख रहे हैं ना? सुनील कमांडर का फोटो लगाने का एक रीजन था उसमें, कि जब मैं किसी को न्योता देने जाऊं तो लोग कम से कम इतना तो पहचान लें कि ये कौन न्योता देने आया है। तो कह सकते हैं कि अब करोड़ों रुपए लगा के सुनील कमांडर ने सिर्फ अपनी पहचान बना ली। अब ये तो आप लोग मीडिया वाले बताओगे पहचान बनाई है नहीं बनाई है, मगर ये प्रोग्राम पहचान बनाने के लिए नहीं था, ये प्रोग्राम समाज का था, समाज को इकट्ठा करने का था। और इसके साथ अगर सुनील कमांडर की पहचान बनती है तो भगवान परशुराम के आशीर्वाद से बड़ी अच्छी चीज है। अब आपका समाज इकट्ठा है या कहीं टुकड़ों में बटा हुआ है? नहीं साहब, मैं आज भी बता रहा हूं आपको, समाज इकट्ठा है, समाज साथ है और समाज साथ रहेगा, और ये चीजें आपको बहुत ही नियर फ्यूचर में दिखाई देंगे। सुनील कमांडर ने इस प्रोग्राम से क्या सीखा और क्या सीख लेगा? सुनील कमांडर ने इस प्रोग्राम से ये सीखा कि धारा 144 तो लगेगी। कुंडली बन के बैठ गए तो कुंडली बन के बैठ गए धारा 144। हाँ, धारा 144 मेरे साथ है और फौजी है, सारी धाराओं से लड़ना जानता है। मैं लेकर तैयारी पूरी बिल्कुल है सर। अब मैं आपको खुल के बताऊंगा कि बिल्कुल तैयारी कर रहा हूँ और करूंगा। यानी अंधी आए, मी आए, सुनील कमांडर अपने बात पे, अपने स्वाभिमान पे, अपने दावेदारी पे अडिग रहेगा। सुनील कमांडर हमेशा अपनी बात पे, अपने दावेदारी पे अडिग रहता है। पिछली बार जब प्रोग्राम कैंसिल हुआ तब भी लोगों को ये लग रहा था कि शायद सुनील कमांडर टूट जाएगा और फिर प्रोग्राम नहीं करेगा। साहब मैंने तो दूसरी बार भी रख दिया और अगर जरूरत पड़ती तो हम तीसरी बार भी रख देते, ऐसी कोई बात नहीं। एक अहम बात और जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से आप फौजी हैं, फौजी रहे हैं, फौजी तो बड़ा हार्ड होता है, आपने पानी के जहाज भी चलाए हैं, आपने वो भी चलाया, आपने सारे मुझे पता है तो, लेकिन कुछ लोग आपको सॉफ्ट मानते हैं, वो सॉफ्ट का थोड़ा बताएंगे राज, स्टाइल से सॉफ्ट है या अंदर से स्ट्रॉन्ग है, किस प्रकार से? साहब ये कमांडर ना सॉफ्ट नहीं है, ठीक है, बातें अच्छी होती हैं, बड़े प्यार से बातें होती हैं, बड़ी इज्जत से बातें करनी चाहिए, मगर सॉफ्टनेस और हार्डनेस कहाँ दिखाई देती है? मैं इतना मजबूत हूँ, जब मेरा प्रोग्राम एक बार कैंसिल हुआ तो मैंने फिर से ये प्रोग्राम किया, तो आपको कहीं लगता है कि मैं किसी एंगल से सॉफ्ट हूँ? मैं जो काम करना चाहता हूँ पूरी मजबूती से करता हूँ, और जरूरी नहीं कि जोर से बोल के और गाली दे के ही हार्डनेस आती है। हार्डनेस तो अपने कर्मों से आती है, और मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि मैं कर्म में किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ूंगा। अब चाहे ब्राह्मण समाज की बात करूं, चाहे भिवानी विधानसभा की बात करूं, तो अब एक कैंडिडेट और है, दम खम और कहीं ना कहीं अपने बल के साथ। ये अच्छी बात है नेता के लिए, अच्छी बात है समाज के लिए, और अच्छी बात है उन वोटरों के लिए कि आप लोगों के बीच में नए नए चेहरे आ रहे, कई फौजी के रूप में हो, चाहे कुछ और रूप के हो, सब आएंगे, चाहे आने वाले होंगे। तो जी अब देखना, मंथन करना, और आपका किस में भविष्य है, कौन आपको आपकी शहर को उन्नति राह पर लेके जा सकता है, तो सोशल से वोट दें और आने वाले वक्त में वोट का प्रयोग जरूर करें। जे एन सिन्हा से अजय नाग, दीपालु शर्मा गया, खास रिपोर्ट।